गीता जयंती पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों लोगों ने ग्रहण किया केले का प्रसाद। कस्बे में गीता जयंती के अवसर पर एडवोकेट जन्मेजय सिंह बराइट और सामाजिक कार्यकर्ता सोशल वर्कर जानकी देवी के द्वारा 22 दिसंबर मार्ग शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रातः 10 बजे उनके निवास के बाहर गीता जयंती का उत्सव मनाया गया। गीता जयंती के अवसर पर एडवोकेट जन्मेजय सिंह बराइट और जानकी देवी के द्वारा आमजन व राहगीरों सहित 1000 लोगों को केले का प्रसाद बांटकर गीता जयंती मनाई गई। इस मौके पर उन्होंने रेफरल चिकित्सालय में मरीजों व जच्चा वार्ड में भी जच्चाओं सहित उनके परिजनों को केले का प्रसाद वितरित किया। इस मौके पर एडवोकेट जन्मेजय सिंह बराइट और सामाजिक कार्यकर्ता सोशल वर्कर जानकी देवी ने बताया कि जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था उस दिन मार्ग शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। गीता एक आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग है, ऋषि मुनियों के ज्ञान का प्रतीक है। विश्व कल्याण के लिए ही श्रीमद् भागवत गीता का अवतरण हुआ था। गीता जयंती के दिन उपवास करने से मन पवित्र होता है और शरीर स्वस्थ रहता है, साथ ही समस्त पापों से भी छुटकारा मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म को समझाते हुए उपदेश दिया था। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के द्वारा जो उपदेश दिए गए उसे गीता कहा जाता है। गीता के उपदेश में जीवन जीने, धर्म का अनुसरण करने और कर्म के महत्व को समझाया गया है। कार्यक्रम में किशनगढ़ बास निवासियों ने बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग दिया। एडवोकेट जन्मेजय सिंह बराइट ने बताया कि वे इस आयोजन के माध्यम से नई पीढ़ी में गीता जयंती के महत्व को याद दिलाना चाहते हैं और सभी को इसके लिए प्रेरित करना चाहते हैं। गीता जयंती का कार्यक्रम आयोजन किया है। आज के दिन गीता जी का अवतरण हुआ था धरती पर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं किशनगढ़ बास के नव युवा सभी लोग गीता को एक बार फिर याद करें और उसकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारें। जय पर आज हमारे निवास स्थान पे हजारों लोगों को फल वितरण का हमने कार्यक्रम रखा है। इसमें बहुत से राहगीर यहाँ आके फल ग्रहण कर रहे हैं और इस ये बात हमको बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास दे रही है कि इस तरीके से गीता के बारे में जो प्रेरणा है वो हम यहाँ लोगों को दे पा रहे हैं। गीता जो कि आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग है, ऋषि मुनियों के आत्मज्ञान का एक प्रतीक है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को अकेले में कुरुक्षेत्र में सुनाई थी। हालांकि ये गुप्त ज्ञान है परंतु इसके लिए इस रहस्य को जितने लोगों तक उजागर किया जा सके और लोगों का जीवन सरल बनाया जा सके उसी प्रयास में हम लोगों ने ये फल वितरण किया है और जान इससे हम चाहते हैं लोग गीता पढ़ने के लिए और प्रेरित हों और इस निगूढ़ ज्ञान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए प्रेरित हों और उसके लिए जान के अपनी ज़िंदगी में उतार सुख नहीं बना के अपने भ्रमों को दूर